पूनम पांडे का जो मुंबई का घर है द पार्क, उसके बाहर इस वक्त हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। पूनम पांडे ने ये साफ कर दिया है सामने आके कि एक अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने किया सर्वाइकल कैंसर को लेकर, जिसके चलते उन्होंने अपने मरने की जो अफवाह है वो उड़ाई। दानिश अल्फास जो कि पूनम पांडे के पड़ोसी है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने भी 2-3 दिनों में पूनम पांडे को रीच आउट करने की कोशिश की, अब पता चल रहा है कि वो जिंदा है, तो क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एग्जैक्टली मैं अभी नीचे आ रहा था, मैं कोई काम के लिए निकल रहा था, तो मैं उनके फ्लोर से होते हुए निकल रहा था कि एक बार फिर से चेक कर लूं कि सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल और शॉक थे। बाद में पता चला कि जब मैं नीचे आया तो समझ में आया कि ये एक अवेयरनेस कैंपेन था, और सुन के अच्छा फील हुआ कि शी इज अलाइव, वो हमारे साथ है वापस से। बट हाँ, एक कॉज के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था तो गलत तरीका, लेकिन जिस कॉज के लिए, जिस चीज के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, आई थिंक ये जरूरी भी था, क्योंकि लोग, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या एग्जैक्टली, तो मैंने 2 दिन में ये चीज देखी, ये चीज पढ़ी, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने इस बारे में जाना होगा और वो इस चीज से अवेयर हो जाएंगे कि हमें बचना कैसे है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए ये सही ट्रेंड है कि किसी बीमारी के अफवाह उड़ा दीजिए, पब्लिक सेलिब्रिटी आप मर गए ऐसा कह दीजिए तो वो बीमारी के बारे में आप कह सकते हैं कि लोग इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ऐसा करने लगे, ऐसा तो ये सही ट्रेंड है, ये चलना चाहिए? ये गलत ट्रेंड है, इससे लोगों के इमोशन पे हर्ट हो सकता है। जो पूनम के फैंस होंगे, वो कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो डाई हार्ट फैंस होते हैं, हो सकता है उनके दिल पे या दिमाग पे कोई गहरा असर हो जाए इस चीज से। बट या अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये पहली बार ही होना चाहिए, दूसरी बार कभी ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए, और पहली चीजें तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। तो आई थिंक पूनम ने जो कदम जिस चीज के लिए उठाया है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस बार के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएट लिया है, जिस तरीके से लोगों तक चंद ही घंटों में ये बात पहुंचा दी कि ये चीज कितनी बड़ी है, सर्वाइकल कैंसर कितना डेंजरस है, उससे बचना है, हमें कैसे रहना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो वो एक अच्छा काम किया, लेकिन अप्रोच गलत ली, और इसके लिए आप चाहते हैं कि एक बार हाँ जी उन्होंने अच्छा काम किया है बट अप्रोच गलत था, बट हमें कहीं ना कहीं उनको एकदम से माफ कर देना चाहिए, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि पूनम पांडे इस वक्त सामने आकर कह रहे हैं कि वो जिंदा है, उनके पड़ोसी इस वक्त जुड़े थे हमारे साथ जो कह रहे हैं कि सही काम के लिए गलत अप्रोच ली गई है, उसे माफ करना चाहिए। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।